ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान चिड़ियाघर से दुखद खबर सामने आई है। 4.5 महीने की मादा टाइगर शावक की मौत हो गई है। देर रात चिड़ियाघर में अचानक तबीयत बिगड़ने के कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। शुक्रवार को सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियम अनुसार पोस्टमार्टम के साथ ही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसका दाह संस्कार किया गया। ग्वालियर चिड़ियाघर में मादा टाइगर शावक की मौत की सूचना लगते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ही नगर निगम आयुक्त को इसकी जानकारी दी गई। डीएफओ अंकित पांडे की मौजूदगी में शावक का पोस्टमार्टम किया गया। प्राथमिक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि शावक की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। मौत की मुख्य वजह सामने आ सके इसके लिए डीएफओ की मौजूदगी में शावक के सभी अंगों की जाँच करने के बाद उन्हें जबलपुर लैब भेजा गया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियम के तहत शावक का चिड़ियाघर में ही दाह संस्कार किया गया। डीएफओ अंकित पांडे का कहना है कि हाल ही में कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जहां इन्फेक्शन के चलते शावकों की मौत हो रही है। ऐसे में शावकों के वैक्सीनेशन का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, कल शाम को एक 4.5 महीने का शावक था, हमारे टाइगर का शावक, वो थोड़ा सा जो है बीमार सा दिखाई दिया और उसके जो है शाम को उसकी कल डेथ हो गई और सवेरे भी पोस्टमार्टम कराया गया है। तो चिकित्सकों का कहना यह है कि कार्डियक अरेस्ट का जो है संभावना है और उसके सभी अंग जो है परीक्षण के लिए हम लोग जबलपुर भेज रहे हैं और भोपाल में भी जो है फॉरेंसिक लैब में भेज रहे हैं। उसके बाद जो है स्थिति मालूम पड़ेगी कि किस कारण से डेथ हुई। 3 शावकों जन्म गया था, 2 शावकों और किस तरह की स्थिति है, क्या हालत है? नहीं, अभी तो स्वस्थ हैं वो और लगातार हमारे चिकित्सक जो है और हमारा स्टाफ जो है निगरानी रख रहा है। डीएफओ साहब भी अभी निर्देशित करके गए हैं, सभी पूरा स्टाफ जो है 24 घंटे उन पर निगरानी रखेगा। यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसके बारे में हम लोग बड़े चिकित्सकों से संपर्क करेंगे। अब कितने टाइगर बचे हैं? अभी हमारे पास 9 टाइगर हैं। जो टाइगर शावक का जो इंतकाम किस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया? जो शासकीय प्रोटोकॉल है भारत सरकार का जो है, सेंट्रल जू अथॉरिटी का जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत जो है उसका अंतिम संस्कार जला के किया जाता है। और वन मंडलाधिकारी स्वयं उपस्थित हुए थे, मैं भी था, हमारे एडिशनल कमिश्नर नगर निगम के वो भी उपस्थित थे, सभी लोगों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया है।